हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिथ एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं फोन पे की आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जहां पर आप इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई एज की बाउंडेशन नहीं है, कोई लोकेशन का बैरियर नहीं है, किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से आप हैं आप एलिजिबल और अप्लाई कर सकते हैं। सो इस बार वैकेंसीज काफ़ी टाइप की आउट हुई है, वो भी फ्रेशर्स कैंडिडेट पे फोकस किया गया है। हर चीज़ को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हुई हैं। आपको बता दूँ इसमें तीन टाइप की वैकेंसीज आउट हुई हैं। पहले हम फर्स्ट पोस्ट का डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी वैकेंसी है, क्या वर्क रहने वाला है, किस तरीके से आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। एज इट इज़ हम सेकेंड एंड थर्ड पोस्ट का डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊँगी कैसे आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। तो वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, हर तरीके का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन, अपने सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। और अगर आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे तब भी आपको फर्स्ट नंबर पे हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम में लेते हुए बात करेंगे फ़ोन पे की आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जहाँ पे आप इंडिया में किसी भी सिटी, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज के रहने वाले हैं आप एलिजिबल है और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। अप्लाई लिंक भी एक्टिवेट किया जा चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई फ़ी आपको पे नहीं करनी है, चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट है चाहे अनरिजर्व कैंडिडेट है, किसी को किसी टाइप की कोई फ़ी पे नहीं करनी है। आप मतलब विदाउट फ़ी यहाँ पर अप्लाई करने वाले हो, वो भी विदाउट एग्ज़ाम आपके इसमें हायरिंग होने वाली है। बिल्कुल सही सुना आपने, कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्टली सिलेक्शन होने वाली है। कैसे, किस बेसिस पे, आगे आपको बताऊंगी। और आपके लिए एक और गुड अपडेट है, मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप जब वीडियो यूट्यूब में डालते हैं हमारे पास कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो टेक्निकल इशू चल रहा होता है अलग अलग चैनल्स पर यूट्यूब पर। तो मैंने आपके लिए क्या किया, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए आपके लिए नया चैनल भी क्रिएट कर दिया है, जॉब वैकेंसी अपडेट्स। आप यूट्यूब में टाइप करेंगे आपको ये चैनल मिल जाएगा, अदरवाइज मैंने लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी मेरा खुद का ही चैनल है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। कुछ अपडेट हम यहाँ डिस्कस कर लिया करेंगे, कुछ वहाँ डिस्कस करते हैं। आज ही मैंने उसमें अपलोड की है एक और वीडियो, उसको भी चेक करके अप्लाई ज़रूर करना। फिलहाल हम फोन पे की लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में बात करें, जिसमें पहली पोस्ट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या वर्क रहने वाला है और क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाली है और उसके लिए अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड पोस्ट का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट की बात करने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ बेनिफिट आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। फर्स्ट आपको सैलरी इसमें मिलेगी, इसके अलावा इंश्योरेंस बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाले हैं, मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाले हैं, इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इंक्लूडेड रहेंगी। वेलनेस प्रोग्राम की बात करें तो एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम इसमें इंक्लूड है, मेडिकल का बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाला है, मोबाइल का बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाला है, इसके अलावा EPF का बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाला है। EPF के बारे में अगर आप अवेयर नहीं हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। सपोज दैट आपकी मंथली जो सैलरी है 36,000 है, और सपोज दैट आपका जो EPF पर मंथ डिडक्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका 1,000, ठीक है। सो अगर आपका 1,000 डिडक्ट हो रहा है, जब आप विड्रो करवाते हैं ना पर मंथ के अकॉर्डिंगली आपको उसमें डबल मिलता है। सपोज दैट आपका एनुअली हो गया 1,000 के अकॉर्डिंगली 12,000, जब आप विड्रो करवाएंगे आपको 24,000 वो मिलेगा। ये बेनिफिशियल चीज़ रहती है। सो ये तो हर कोई एम्प्लॉय चाहते हैं कि हमारा डिडक्ट हो, सो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है। तो इसमें सबसे पहले जो पोस्ट आउट हुई है ना, एडवाइजर सर्विस रिकवरी के लिए आउट हुई है। एनी फ्रेशर्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्लियरली यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। 0 से 2 इयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, 0 मीन्स एनी फ्रेशर्स, अगर किसी को 2 इयर्स तक का है वो तो एलिजिबल है ही इसमें, ठीक है। तो हर कोई अप्लाई इसमें कर सकता है। अगर हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑनेस्टी के साथ वर्क करना है। इसी के साथ जब आपकी इंट्रैक्शन हो रही है इनके क्लाइंट या इनके कस्टमर्स से, उनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, मतलब इनके
कि कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना है। सिंपल सा आपका इसमें वर्क रहने वाला है, एज एन एडवाइजर आपका वर्क इसमें रहेगा। इसके अलावा आपको हैंडल करना है बेसिक फोन पे अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन रिलेटेड क्वेरीज को आपको बस रिजोल्व करना होगा। ये बेसिक सा आपका इसमें वर्क रहने वाला है और इसमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है, जैसे कि जब आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं आपको उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है कि वो आपके ऊपर ही ट्रस्ट कर पाए। ठीक है, सिंपल सा वर्क है आपका इसमें। और यहाँ पे अगर हम स्किल्स की बात करें, गुड लर्निंग स्किल्स आप में होने चाहिए, मतलब अगर कोई चीज़ आपको सिखाई जा रही है आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको सीख पाए। इसके अलावा एक्टिव लिसनर आप होने चाहिए, मतलब कोई चीज़ आपको कोई बता रहा है सामने वाला और आप एट ए टाइम उसको अंडरस्टैंड कर पाए और सुन पाए। ठीक है, तो ये स्किल्स थोड़े बहुत आप में होने चाहिए। और इसी के साथ आप टीम प्लेयर होने चाहिए, टीम में किस तरीके से वर्क किया जाता है वो नॉलेज या स्किल्स आपको होने चाहिए। इसके अलावा फ्लेक्सिबल आप होने चाहिए और फीडबैक देने के लिए आप ओपन होने चाहिए, ये बेसिक सा वर्क है। मल्टीटास्किंग आप होने चाहिए, मतलब एक वर्क के साथ अगर सेकंड वर्क आपको मिल रहा है, सपोज दैट आप इंटैक्ट कर रहे हैं कस्टमर के साथ और आपको टाइप करना पड़ रहा है कंप्यूटर में, वो होता है मल्टीटास्किंग, तो आप एक वर्क के साथ दोनों चीज़ें कर पाए, ये स्किल्स आप में होने चाहिए। बहुत सिंपल से ये आपकी जॉब रहने वाली है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है 0 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वैकेंसीज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या वर्क रहने वाला है, अप्लाई कैसे करना है वो आप ध्यान से समझना। अप्लाई प्रोसीजर तीनों के लिए थोड़ा अलग अलग है तो ध्यान से समझना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको सेम रिक्रूटमेंट का मिलने वाला है, आप उस पर क्लिक करना, नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब लास्ट में जब आप जाएंगे ना, आपको 3 लिंक मिल जाते हैं रिक्वायर्ड लिंक में, Link 1, Link 2 and Link 3। अब इस वाले नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, Link 1 पर क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे ना, सेम पोस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एडवाइज़र की। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हर चीज़ डिस्क्राइब की हुई है, फ़ोन पे कब से एग्जिस्ट कर रहा है, किस तरीके से आपका इसमें वर्क रहता है, किस तरीके से फ़ोन पे वर्क करता है। यहाँ पे वीडियो में भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, हर चीज़ वर्बली बताई हुई है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या आपका वर्क इसमें रहने वाला है, बेसिक चीज़ें हम सारी यहाँ पर डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हर चीज़ डिस्क्राइब की हुई है, जो जैसे कि स्किल्स रिक्वायर्ड है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं मिस कर गई पहले, आपके ये 5 डेज वर्किंग जॉब रहने वाली है, 6 डेज नहीं रहने वाली है, मतलब वीक में 2 डेज आपको इसका वीक ऑफ मिलने वाला है और लंच आपको कंपनी की तरफ से इसमें प्रोवाइड किया ही जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में देखिए आपको अप्लाई के ऑप्शन मिल जाते हैं, पहली ऑप्शन साइन इन विद लिंक्डइन अकाउंट। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे स्टार फील्ड मेंशन है ना, वो सारी चीज़ें मैंडेटरी है, जैसे कि फर्स्ट नेम मेंशन करना है, उसके बाद लास्ट नेम मेंशन कीजिए, देन आपको अपनी ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना होगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर वही आपको यहाँ पर अपडेट करना है जो आपका 24/7 एक्टिव हो, बिकॉज नेक्स्ट कम्युनिकेशन आपकी उसी के थ्रू इसमें होने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा आपका रिज्यूमे और सीवी का रहेगा, जो आपको अटैच करना होगा। इसको आप ड्रॉप बॉक्स से अटैच कर सकते हैं, गूगल ड्राइव से कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। इवन आप मैनुअली भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, जिसमें कि PDF डॉक्यूमेंट के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से कवर लेटर आपको करना है। कवर लेटर के बारे में अगर आप अवेयर नहीं है ना, तो रिज्यूमे से हटके होता है थोड़ा सा, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो रिज्यूमे में डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, तो वो आपको कवर लेटर में डिस्क्राइब करके अपलोड करनी होती है। अब कवर लेटर के बारे में अगर आप अवेयर नहीं हैं कैसे होता है, किस तरीके से टाइप किया जाता है, किस तरीके से बनता है, तो मैंने इसका फॉर्मेट आपको दे दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, पिन कर दिया है मैंने वहाँ पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी आपको ज्वाइन ज़रूर से कर लेना है। वहीं आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, जो जो चीज़ें वहाँ पे अदर पर्सन की डिस्क्राइब की हुई है या मेंशन की हुई है, उसकी जगह पे आपको अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करके यहाँ पे बस आपको अपना कवर लेटर अपलोड कर देना है। ठीक है, इसको भी आप मैनुअली कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, कौन से डिसिप्लिन में है, कौन से ईयर से पास आउट आपने की है या कर रहे हैं, जो जो चीज़ें हैं। ठीक है, अब टाइटल में यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, उसके बाद हर चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब है। अगर लिंक्डइन प्रोफाइल आप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अगर कहीं पे वर्किंग है वो आप मेंशन करना, अदरवाइज यहाँ पे आप फ्रेशर पे क्लिक कर सकते हैं या स्टूडेंट पे क्लिक कर सकते हैं। जेंडर पे सिलेक्ट करना है मेल है या फीमेल है, अगर कोई एक्सपीरियंस है मेंशन करना, अदर नहीं है तो आप 0 से 1 ईयर करना या नॉट एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आर यू कम्फर्टेबल वर्किंग इन रोटेशनल शिफ्ट, मतलब इनकी रोटेशनल शिफ्ट भी हो
सकती हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं आप यस कर देना। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप यस ही करना। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं वो सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड करती हैं, आप बताऊँगी आपको किस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हर चीज़ जो भी आप देख पा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंशन कर देनी है। लास्ट में आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन पर जैसे क्लिक किया सक्सेसफुली आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो है फर्स्ट पोस्ट जिसके लिए कैसे अप्लाई करना है। जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं वैसे ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है। सिलेक्शन ज्वाइनिंग कैसे होने वाली है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले नेक्स्ट पोस्ट डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पोस्ट के बारे में अगर बात करें, ये आपकी एनालिस्ट की वैकेंसीज रहने वाली हैं। इसमें भी आप में से हर कोई एलिजिबल है और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। सेम बेनिफिट सैलरी के साथ साथ आपको इसमें मिलने वाले हैं जो मैंने लास्ट पोस्ट में आपको बताया है, मेडिकल का, EPF का, एटसेट्रा, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो डिस्क्राइब इसमें नहीं की है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, ये एनालिस्ट की MIS के लिए वैकेंसीज हैं जिसमें लोकेशन का कोई बैरियर नहीं है। इस वाली पोस्ट के लिए, इस वाली पोस्ट के लिए आप किसी भी लोकेशन से अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अपनी लोकल लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो इसमें अगर वर्क की बात करें तो आपको जो इनके रिपोर्ट्स हैं या प्रेजेंटेशन है उनको आपको बस प्रिपेयर करना है, उनका बस आपको फॉलोअप रखना है। ये बेसिक आपका वर्क रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा डिटेल में अगर आप चाहते हैं आप खुद यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। और बेनिफिट यहाँ पे मेंशन की हुई है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई है। आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से ना अप्लाई इसके लिए करके देख लेना कैसे इसके लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। सैलरी प्लस बेनिफिट आपको इसमें मिलने ही वाले हैं। इसके लिए भी 5 डेज वर्किंग आपकी जॉब रहने वाली है, 2 डेज का आपका इसमें ऑफ रहेगा। ये तो है सेकेंड पोस्ट। अब बात करते हैं थर्ड पोस्ट के बारे में, थर्ड कौन सी पोजिशन के लिए आई हुई है वैकेंसी। तो थर्ड अगर पोस्ट की बात करें वो भी एनालिस्ट के लिए, बट फर्स्ट जो सेकंड पोस्ट मैंने आपको बताई है MIS के लिए है। ये वाली एनालिस्ट की RTA के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं। इसमें भी अगर वर्क की बात करें, जो मैंने आपको एडवाइज़र का वर्क बताया था ना, एज इट इज़ वर्क इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको ऑनेस्टली के साथ वर्क करना है एंड कस्टमर के साथ जब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। इसके अलावा जो फ़ोनपे का अकाउंट है बेसिक, उसको आपको हैंडल करना होगा, और जो फ़ोनपे की ट्रांजेक्शन हो रही है उससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरीज या कंप्लेंट आती है उसको आपको अंडरस्टैंड करके रिजॉल्व करना होगा। ये बेसिक वर्क इसके लिए भी आपका रहने वाला है। इसके अलावा जो इनकी प्रोसेस की गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना होगा, और सारी चीज़ें इन्होंने क्लियरली यहाँ डिस्क्राइब की है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसके लिए भी 0 से 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो एनालिस्ट की जो मैंने आपको सेकंड पोस्ट बताई है ना, वो वाली जॉब में भी आपकी वर्क फ्रॉम होम हो, ठीक है, वो आपको क्लियर करेंगे ही वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिस है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बट जिस तरीके से सेकेंड वाला है ना नोटिफिकेशन, वो आपकी वर्क फ्रॉम होम एंड मोबाइल हो सकते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर क्लियर किया ही जाएगा। इसके अलावा ये जो थर्ड पोस्ट के बारे में हम बात करें है ना, इसमें भी स्किल्स की बात करें तो आपके पास रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, गुड लर्निंग स्किल्स आप में होने चाहिए। इसके अलावा आप एक एक्टिव लिसनर होने चाहिए। इसके लिए भी एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में पास आउट की है। 5 डेज वर्किंग ये जॉब रहने वाली है, 2 रोटेशनल आपके वीक ऑफ इसमें रहने वाले हैं। अब बात होती है सेकेंड एंड थर्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो जब मैंने आपको बताया था ना, लिंक पर आप क्लिक करेंगे, रिक्वायर्ड लिंक में, लिंक 1 पर आपको अप्लाई करके बताया, लिंक 2 एंड लिंक 3 जो है ना उसमें भी ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो लिंक 2 मैंने आपको बताया उसमें कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड में कुछ कुछ लैंग्वेज का है बैरियर कि कुछ लोकेशन की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, वो आप चेक कर लेना, जिसके लिए भी एलिजिबल है अप्लाई ज़रूर करना। अदरवाइज सेकेंड वाला जो लिंक है उसके लिए हर कोई अप्लाई कर ही सकता है, ठीक है। अब बात आती है सिलेक्शन आपकी कैसे होने वाली है। आप यहाँ पे मोर देन 1 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप अप्लाई कर लेते हैं ना, HR टीम आपकी एप्लीकेशन का रिव्यू करती है। अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होती है, आपको यहाँ पर ईमेल के थ्रू या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू बताया जाएगा इंटरव्यू के बारे में। अगर वर्क फ्रॉम होम होगी तो आपकी ये मोबाइल से इंटरव्यू होने वाली है, अगर ऑफिस होगी तो आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन आपकी होने वाली है। तो काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज है, फ्रेशर्स के लिए आई है, तो इसलिए मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आई हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर हम फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।